पटना में उर्दू टीएटी अभ्यर्थियों का मार्च पटना के साइंस कॉलेज से निकाली गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती हसन रजा अहमदी ने की है। इस मौके पर पूरे बिहार से भारी संख्या में उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों शामिल रहे, जिन्होंने कारगिल चौक गोलंबर पर आगजनी कर चक्का जाम किया। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों के इस मार्च को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और पुलिस बल ने इसे रोका। पैंतालीस और 50% में जनरल टीटी उम्मीदवारों का बस किया जा रहा है। हम सौतेला हैं, हम मुसलमान हैं, हम उर्दू टीटी के उम्मीदवार हैं, हम सौतेला हैं, इसलिए हमारे साथ इंसाफी नहीं होगी। जनरल टीटी वालों को 10% में आपने छूट दिया है, तो उर्दू टीटी वालों को आप साथ कैसे रखें, उसमें 5% का नीचे कम। यही हमारी मुख्य मांग है। क्यों इसलिए मांग है? क्योंकि बिहार बोर्ड ने ही गलती किया था और गलती के साथ हम बिहार के उम्मीदवार जो है ना, हम भुगतेंगे नहीं होंगे। जब पास किया था आपने, बिहार बोर्ड आपका है, शिक्षा विभाग आपका है, रिजल्ट आपने दे दिया है, तो हमें आप कैसे फील कर सकते हैं? हमारी मुख्य मांग यही है कि आपने जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट आप कैसे क्या करें। आज हमारे यहाँ पे जब तक शिक्षा मंत्री और आर के महाजन प्रधान सचिव लिखित रूप में नहीं देंगे कि हम आपके रिजल्ट को इस दिन हम जारी कर रहे हैं, तब तक हटेंगे नहीं।